अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च हो चुकी है। बेसिकली ये होना था, मफादात का टकराव सियासी और वकला विंग का बेसिकली होना था। पहले ढके छुपे अल्फाज में हो रहा था, पीछे पीछे से हो रहा था, अब सामने खुलकर आ गए हैं। रऊफ हसन साहब ने एक रिलीज भी जारी की है कि जी नोटिफिकेशन बेसिकली जारी किया कि जो पुराने फोकल पर्सन थे ना उनको सुपर सीड, उनसे को पीछे कर दिया और अब नए फोकल पर्सन आ गए हैं। बेसिकली उमर नियाजी और शेर अफजल मरवत साहब को हटाया गया। बड़े खुश हैं उमर अजूब साहब, बड़े खुश हैं रऊफ हसन साहब, बड़े खुश हैं। वाह वाह, बड़ा जबरदस्त हमने काम कर दिया। क्या काम कर दिया आपने जबरदस्त? जब आप लोग घरों में बैठे हुए थे और जब आप लोग रुपोश थे, छुपे बैठे थे और कागजात नामजदगी आप जमा नहीं करवाने जा सकते थे, तो यही वकील थे, यही शेर अफजल मरवत था, इस तरह के बेशुमार वकील थे जिन्होंने लाहौर में, पंजाब में आप लोगों के कागजात जमा करवाए, जा जाकर अपने ऊपर हर चीज फेस की, हर खतरे का अपने और अपनी फैमिली के लिए मुकाबला किया। किस लिए? पीटीआई और इमरान खान के लिए। और जैसे ही अब इन लोगों के इलेक्शन हो गए हैं, अब ये असेंबली में पहुंच गए हैं, तो ये उमर अजूब साहब समझ रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा जबरदस्त कोई आदमी हूं, क्या आपकी हैसियत है? और इमरान खान का नाम आज हट जाए तो कितने वोट आप ले सकते हैं? तो बेसिकली जो ये सियासी विंग है, जिस तरह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अलीमा खान साहब और बुशरा बीबी का एक ग्रुप है, इसी तरह अब एक और इसमें आपको नजर आएगा आने वाले और दिनों में। खासतौर पे जो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो आउट ऑफ कंट्री यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह आदिल राजा हैं, जिस तरह हैदर मेहदी हैं, जिस तरह सलमान अहमद हैं और शहबाज गिल हैं, इनको शेर अफजल मरवत बहुत बुरा लगता है क्योंकि इनका ख्याल है कि शेर अफजल मरवत किसी तरह इमरान खान की जगह ले ले। तो बाकी लोगों के लिए तो इनको ऐसा कोई डर नहीं लगता, इवन अली बिन गंडापुर के लिए भी ना, किसी और शख्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि शेर अफजल मरवत में वो सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है, हैंडसम भी है कप्तान की तरह, तो कहीं लोगों का दिल उस पर ना आ जाए। भाई ऐसी क्या बात है, लोग शेर अफजल मरवत को इसलिए पसंद करते हैं कि वो इमरान खान की बात करते हैं और उसने अपनी कमिटमेंट शो की है, उसने सच बोला है, झूठ नहीं बोलता वो। और बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली उनको ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो उस टाइम मिली थी जब जो नूली के सेनेटर थे अफगान, उनके साथ उनकी हाथापाई हुई थी और लोगों ने उसको, पीटीआई का यही माइंडसेट है और पंजाब का भी, स्पेशली पश्तून माइंडसेट भी, कि जी बड़ा अजीब बंदा, दिलेर दबंग होना चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में भी यही समझते हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया। अब हकीकत क्या है ये तो आप जानते हैं कि कितना ललकार दिया, कि कोर कमांडर हाउस में इजलास हो रहे हैं कैबिनेट के पख्तूनख्वा की, लेकिन लोग समझते हैं वाह खान पहला बंदा आया जिसने एस्टेब्लिशमेंट को सीधा कर दिया। तो ये बेसिकली शेर अफजल मरवत के बारे में, और इसमें शिद्दत आएगी आने वाले वक्त के साथ क्योंकि वो तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो अब उनको जी वो जी फोकल पर्सन की लिस्ट से हटा दिया उनको, क्या ऐसा इजाज था जो शेर अफजल मरवत को मिल गया था? यही ना कि वो इमरान खान साहब से मिलते थे, आप मिलने जाके आप कर लें जो आपकी बात को लोग कितना फॉलो कर लेते हैं, या लोगों को उमर अजूब की मीडिया टॉक में कितनी कोई दिलचस्पी है। रऊफ हसन भी बात करके देख लें, उनकी जो गाड़ी अंग्रेजी है और मुश्किल मुश्किल उनकी बातें और ख्याल हैं, वो इस मुल्क में कितने लोगों को समझ आ सकते हैं? आई डोंट थिंक इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो करके देख लें, आप भी करके देख लें, देख लेते हैं कितनी कामयाबी हासिल होती है। ये कोशिशें होती रहती हैं, ये सियासी जमातों में ये चलता रहता है। तो इससे लेकिन एक बात समझ आती है कि शेर अफजल मरवत को ये अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान। आगे चलते हैं, और कोर कमांडर हाउस के हवाले से हमने बात की थी कि कोर कमांडर हाउस में पेशावर में पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास हुआ। अच्छा, लोगों के बच्चों को लेकर चल पड़े और लाहौर के कोर कमांडर का घर चला दिया, और अब वो बच्चे कहाँ हैं? मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, कहाँ मुकदमे चल रहे हैं, वकीलों की फीस चल रही है, माँ बाप की क्या हालत है, नौकरियां छूट गई, रोजगार खत्म हो गए, तालीम खत्म हो गई, लेकिन पेशावर में कोर कमांडर हाउस में वो हम अफतारी कर रहे थे। ये रऊफ हसन साहब फरमाते हैं कि वैसे ये कॉमरेडर वैसे फरमाते हैं कि वो हम एस्टेब्लिशमेंट वो अफतारी करने गए थे कोर कमांडर हाउस में, तो कोई मसला नहीं है ना इतना, ये मुल्क तो चलाना है ना जाहिर है, लेकिन तो मुल्क अगर चलाना था तो लोगों के बच्चों को मरवाने की क्या जरूरत थी, लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह करने की क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल मुझे असल में माइंड में वही चीज आती है जो भुट्टो तो नहीं बल्कि जियाउल हक की दौर में बेसिकली हुआ था, जो 8-8, 9-9 साल के बाद लोग जेलें काट कर वापिस आए थे, वो कभी इस मुआशरे में एडजस्ट नहीं हो सके। कोई नॉर्वे बैठा है, कोई स्वीडन बैठा है, कोई कैनेडा बैठा है, कोई कहीं बैठा है, क्यों क्यों वो इस मुआशरे में चलने के काबिल ही नहीं रहे? जेल की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है उन लोगों के, यहाँ पे उनकी तालीम खत्म होगी, उनके रोजगार चले गए, उनकी जिंदगी, उनके खानदान जिंदगी लोगों की बाहर आगे बढ़ गई, उनकी जेल में जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखती हूँ कि कैसे वो नौजवान गए थे कि हाँ हम कौम को की आजादी दिलाएंगे और इमरान खान हमारा लीडर है, वो कि जेल में ना वो उसको मार ना दें, इसलिए लोग निकले थे ना गांव में ही को। तो इमरान खान साहब को किसने मारना था, क्यों मारना था,
उनको कौन मार सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन जो लोग बेचारे आपके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की वजह से उल्लू के पट्टे बनकर अब जेलों में पड़े हुए हैं, और अगर बाकी कहीं कोई रिपोर्ट है, कोई इस तरह की जिंदगियां चल रही हैं, तो आप लोगों को तो इख्तदार मिल गया ना। आपको इख्तदार, अली अमीन गड्डापुर को इख्तदार इसलिए चाहिए था कि उसकी जमानतें हो सके, वो फ्री एंड फेयर होकर फिर सके, उसको वो रिलैक्स रहे। ये पख्तूनख्वा में या पंजाब में इलेक्शन पीटीआई ने इसीलिए लड़ा था कि हम पावर में आएंगे और हम अपने खिलाफ केसेस खत्म करेंगे। पख्तूनख्वा में आ गए, अक्सरियत मिल गई, पंजाब में नहीं करने दिया गया, नहीं मिल सकी, तो वहां पे नहीं उतरा हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो हमाद अजहर साहब भी वापस आ गए, फैसल जावेद साहब भी आ गए, बेशुमार और लोग भी निकल निकल कर कारों से पख्तूनख्वा के निकल निकल कर आ रहे हैं। तो बेसिकली इनकी तो ये अपनी मफादात की और इख्तदार की लड़ाई थी ना, लेकिन उसमें पिसा कौन? एक मिडिल क्लास नौजवान जो सोचता था कि मैं इंकलाब ले आऊंगा, तब्दीली आ जाएगी रातों रात, और वो इंकलाब और तब्दीली आई तो थी, लेकिन उस नौजवान की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। लेकिन इमरान खान साहब भी ठीक ठाक हैं, और इंशाल्लाह एक दो साल बाद वो भी आराम से खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे, और कोई मसला नहीं हो रहा, यकीन करें उनको अंदर, ना बुशरा बेगम को कोई मसला है। क्यों ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये एक आहिस्ता आहिस्ता बयानिया बनाया जाता है कि वो जी देखें वो जहर दे रहे हैं। या अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ये वही मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए बनाया था कि जी उनको स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहे हैं। गॉड नोज बेटर कि उनको जहर दिया गया था या नहीं, लेकिन उन्हें जेल से निकलना था, उन्हें अपने कारकुन को एक लॉलीपॉप देना था, एक उसको तसल्ली देनी थी कि यार मेरे साथ देखो इतना बुरा हो रहा है। और मैं समझती हूँ ठीक है, किसी सियासतदान को कोई जरूरत नहीं है कि इस मुल्क में जेलें काटे, क्योंकि जिन्होंने काटी उनको इस मुल्क में लोगों ने कितना ऑनर कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी, भुट्टो खानदान के चार लोग तकरीबन उसके लिए शहीद हुए। क्या इस मुल्क या कौम ने ऑनर कर दिया? कुछ भी नहीं। तो सियासत नवाज शरीफ साहब की तरह करें, सियासत इमरान खान साहब की तरह करें, जिंदा रहें, सेहतमंद रहें, और मुल्क और कौम का भी ठीक है, उसमें बीच में कोई भला हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपना और अपने खानदान का भला सोचे, कोई जरूरत नहीं है जाने देने की। तो बेसिकली ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है, और ये अभी चलेगा क्योंकि इमरान खान साहब जब तक अंदर हैं ये मामला इसी तरह चलेंगे। और मामला जो धमकियों के चल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और कभी कभी हंसी आती है कि ये किस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और एजेंसी तो बेसिकली जितनी मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त डल चुकी है सुमोटो के बाद, तो वो ये इस तरह का काम करने का रिस्क नहीं ले सकती, ये बेसिकली इनके अपने ही काम है। और अब उसको कवर अप करने के लिए वो जी मरियम नवाज साहिबा को भी आ रहा है, वो जी शहबाज शरीफ को भी आ गया था, तो बहुत ही बुरा कवर अप, आई थिंक बहुत ही बुरा कवर अप कर रहे हैं। और कुछ इसमें से कुछ नहीं निकलना, कुछ भी नहीं निकलना इन खतों में से, क्योंकि केस तो अब चलेगा, अब केस तो आ चुका है, और इसमें किसी ना किसी को अब घर भी जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।